हेलो एंड वेलकम टू शोमैन्स टेक। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यूट्यूब में चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जो वीडियो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो आपको दिखाई देने पड़ेंगे। आज हम आपको बताएंगे जियो का नया इंटेलिजेंट स्मार्टफोन के बुकिंग प्रोसीजर के बारे में, और हम आपको बताएंगे इसके कुछ फीचर्स और किस तरह के मोबाइल यूज़र ये फ़ोन ले सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिए। अभी बहुत सारे वेबसाइट में आपको जियो फ़ोन के बुकिंग फॉर्म मिल जाएगा। ये सब फॉर्म आपको जियो के प्री बुकिंग रजिस्ट्रेशन में ले जाएगा। जियो के जो ऑफिशियल साइट है उसमें भी आपको प्री बुकिंग फॉर्म मिल जाएगा, मगर ये फॉर्म फिलअप करने से ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। ये एक नोटिफिकेशन फॉर्म है जो आपको जियो फोन बुकिंग शुरू होने पर अलर्ट देगा, और इस फॉर्म से जियो को भी अपना एक्सपेक्टेड कस्टमर का एक वैल्यू मिल जाएगा। 15 अगस्त से जियो फोन का फ्रेंडली ट्रायल शुरू हुआ है। अगर इसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होगा तो इस ट्रायल पीरियड में वो रेक्टिफाई किया जाएगा। 24 अगस्त से जियो का ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने नियरेस्ट जियो रिटेलर शॉप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें सितंबर से फ़ोन मिलना शुरू हो जाएगा। जियो के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार नंबर और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगा, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बुकिंग के लिए जियो रिटेलर स्टोर में ही जाएं। इससे आपका जल्दी फ़ोन मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। अब चलिए देख लेते हैं इस स्मार्टफोन में फीचर क्या क्या है। इसमें आपको दिया जाता है 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है, सिंगल 4G सिम स्लॉट है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, टॉर्च लाइट है, FM रेडियो है। इसमें वॉइस कमांड फैसिलिटी भी है जिससे आप कॉलिंग, मैसेजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। इसमें सभी जियो ऐप की सुविधा भी दी गई है, जैसे कि जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा, जियो TV। इसमें पावरफुल स्पीकर भी दी गई है। इसमें एक पैनिक बटन भी दी गई है जिससे कि 3 प्रीडिफाइंड नंबर पे लोकेशन के साथ मैसेज चला जाएगा। इसमें NFC का भी ऑप्शन है जिससे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन बेहद ही ईजी और यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए जो लोग अभी 2G कीपैड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इसमें फ्री वॉइस के साथ वो डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अपनी स्मार्टफोन में 2G या 3G सिम यूज़ कर रहे हैं वो इसे डेटा शेयर करके इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। जिन लोगों के पास 4G स्मार्टफोन है उन्हें इससे कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।